गाइस तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो आरसी हेलीकॉप्टर। ये ऊपर वाला भी आरसी हेलीकॉप्टर है और ये बच्चों वाला टॉय हेलीकॉप्टर है। ये पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे इन दोनों हेलीकॉप्टरों की और फिर इनको उड़ाकर दिखाएंगे, फ्लाइंग टेस्ट करेंगे कौन सा उड़ने में ज्यादा बेहतर है, फुल ट्राई करेंगे। अनबॉक्सिंग में कुछ आपको खास नहीं करना है, बस यहाँ से इस तरीके से ओपन करना है, इस हेलीकॉप्टर को ओपन करना है और ये ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ साथ में ज्यादा नहीं मिलेगा, इसका डब्बा है, इसको जब तक हम साइड में यहाँ पर रख देते हैं। और ये आपको रिमोट मिलेगा इसके साथ, ये छोटा सा रिमोट होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये छोटा सा घर का आरसी हेलीकॉप्टर मिलेगा, ये बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है। इसके साथ में आपको एक यूएसबी मिलेगी, ये बहुत छोटा हेलीकॉप्टर है, इसके साथ में आपको यूएसबी मिलेगी और ये मिलेगा रिमोट। और इसमें फिर सेल डालेंगे, इसको उड़ा सकते हैं, ऑन करना है यहाँ से। ये छोटा सा आपको ये खटका दिख रहा है, इसको ऑन करना, ये ब्लिंक करेगा, ये लाइटिंग जल्दी है, आपको दिख रहा होगा शायद लाइट जल्दी दिखती, ठीक है, ये जल्दी है। और फिर इसको ऑन करना है, ये वाला पावर ऑन करके ये लाइट ऑन हो गई, ये ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया। देखते हैं ये फ्लाइंग करता है या नहीं। ये इसको नीचे, ये आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे, इस चीज को ये स्पीड बढ़ेंगे, ठीक है। ये इसको नीचे कर देंगे, स्पीड डाउन हो जाएगी, चलिए ये फ्लाइंग करेगा जब तक हम इसको साइड में यहाँ पर रख देते हैं। ये आरसी हेलीकॉप्टर है, काफी बढ़िया फ्लाइंग करता है। ये जो आता है ये वी मैक्स कंपनी, इसकी जो है वी मैक्स HX708 इसका ये मॉडल है और काफी सिंपल और काफी अच्छा हेलीकॉप्टर है। आपको बस यूं इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है ये, और इसको भी जस्ट लाइक दिस बिल्कुल ऐसे आराम से ही खींचना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए ये इस डब्बे में आता है, रिमोट यहाँ से आएगा, ये इसका रिमोट कंट्रोल होगा, जो काफी बढ़िया फील, हैवी फीलिंग हो रही है। यहाँ से ये बंधा है, इसको खोल देते हैं, ठीक है, इसको मैंने यूं खोल लिया और इसको डब्बे को भी यहीं डालते हैं। ये इसका भी वेट अच्छा खासा है और ये उससे काफी बढ़िया क्वालिटी में है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत चीप क्वालिटी महसूस हो रही है, बिल्कुल प्लास्टिक, और ये थोड़ी मेटल, ये मेटल है और ये पीछे की टेल भी मेटल की है, तो ये बढ़िया क्वालिटी में फील हो रहा है, ये प्लास्टिक है तो ये काफी बढ़िया फील हो रहा है हेलीकॉप्टर। ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल है। चलिए हम इसको सेल डाल के जल्दी आपको ऑन करके दिखा देते हैं। अब इसको ऑन करना है हेलीकॉप्टर को, इसका बहुत नीचे छोटा सा दिया है, ये बिल्कुल बहुत छोटा है, इसको आप ऑन करेंगे ये लाइट ब्लिंक हो गई, यानी कि हेलीकॉप्टर ऑन हो चुका है। अब रिमोट को ऑन करने के लिए ये आपको पहला वाला ऑन दिख रहा है, बस इसको ऑन करना है, ये ब्लिंक हो गई। अब इसकी जब पावर बढ़ाएंगे रिमोट से, ये चीज ये हम अप करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये देख रहे हैं गाइस काफी रफ्तार है, हम फुल करेंगे एक बार, देखिए गाइस काफी ज्यादा रफ्तार है। हम आपको एक टेलर यहीं पर देना चाह रहे हैं, जरा सा उठाकर देखिएगा गाइस, यहीं पर ये गिर भी सकता है मैडम, देखा गाइस चटाका खा चुके हैं। गाइस अब हम इसको बंद कर देते हैं और फिर बाहर चलते हैं, इसका फुल फ्लाइंग टेस्ट करते हैं, ये कितनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। गाइस तो हम लोग दोनों हेलीकॉप्टरों को मैदान में लेकर आ चुके हैं, दोनों हेलीकॉप्टर जमीन में रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। गाइस तो अब दोनों हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे किसमें है कितना दम। पहले हम छोटे वाले को फ्लाइंग करते हैं, इसका ये छोटे वाले का ये छोटा रिमोट है, ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि स्टार्ट है, बड़े वाले का ये बड़ा रिमोट है, ठीक है गाइस। हम फुल है गाइस, फुल रफ्तार है इसकी, मैं छोड़ रहा हूँ गाइस, ये डांस करेगा बस इस तरीके से गाइस, मैं हवा में उड़ा रहा हूँ गाइस। आपने देखा ये सस्ता हेलीकॉप्टर कितना बकवास काम कर रहा है, इसको आप इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करिए। अगर आपके पास थोड़ा भी सा भी पैसा फालतू है, ये आपको 400-500 रुपए का मिलेगा तो आप उस वाले पर, ये मेरे हिसाब से बढ़िया है क्योंकि इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये इसको अब हम ट्राई करते हैं, ये वाला तो बिल्कुल बकवास निकला, कोई फ़ायदा नहीं है,
अब इस वाले हेलीकॉप्टर को ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं इसमें है कितना पावर। चलिए हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। गाइज ये तो फ्लाइंग कर रहा है, यहाँ पर जगह जो है काफी ज्यादा कम है, अगर हम इसको उड़ाएंगे तो ये पेड़ों वगैरह में हिलक जाएगा। तो हम कोई ऐसे ग्राउंड में जाते हैं जहाँ इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर ले। गाइज तो वहां पर इस जहाज की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोग आ चुके हैं इतने बड़े ग्राउंड में। आप दिखा सकते हैं काफी बड़ा गाइज ग्राउंड है। अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर देखते हैं इसमें कितना है दम और ये कितनी ऊपर फ्लाइंग कर सकता है, इसकी रेंज कितनी है, टोटल सब चेक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। चलिए हम इसको उड़ाते हैं, आइएगा इसमें साथ। गाइस अगर आप रेस छोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा। मैंने सोचा था काफी ऊपर जा रहा था, एक बार रेस छोड़ दे तो जब नीचे आएगा फिर उड़ा लेंगे, फिर दूसरा काम नहीं करा है तो आपकी रेस नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे कितनी ऊपर जाएगी। गाइस ठीक है, रेस नहीं छोड़ेंगे, फिर हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। गाइस उड़ाते हैं। गाइज आपकी क्या हुआ, गाइज आपकी क्या हुआ, आपकी मैंने रेस नहीं छोड़ी और ऊपर जाने का इसकी नेटवर्क जो थे प्रॉब्लम आ गई और ये अपने आप रेस छोड़ दिया और फिर ये नीचे गिरा। तो गाइज आपकी हम इसको कम नीचे कम ऊपर उड़ाएंगे और फिर देखेंगे क्या काम करता है। ठीक है गाइज, गाइज ये टूट गया है, टूट गया है गाइज। तो क्या बोले हम, सही भी है नहीं भी सही, आप हाथ ना लगाएं तो नीचे नीचे उड़ाएं तो काफी बढ़िया है। वरना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हेलीकॉप्टर चाहिए तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से चेक करिए। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।